श्री अन्नपूर्णा क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। तो नवरात्र शुरू हो चुके हैं, तो आज हम व्रत की मखाने की फलाहार चाट बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत है, ये बहुत लाइट और डिलाइट है, तो उसके लिए ज़रूरत है, सबसे पहले हमें चाहिए मखाने, धनिया, पुदीना, दही, मिर्चा, काली मिर्च, एक चम्मच मूंगफली के दाने, नमक और पिसा हुआ जीरा, अनार और सेब। तो सबसे पहले हम चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले पुदीना डालते हैं, धनिया, मिर्चा, मूंगफली के दाने, नमक, ये सेंधा नमक है, और पिसा हुआ और थोड़ा पानी। अब हम इसकी चटनी बना लेंगे। तो यहाँ पर हम चटनी पीसते हैं। ये हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। चटनी एकदम फाइन और परफेक्ट पीसी है। तो फिर अब हम मखाने को भून लेते हैं। घी में मखाने भूनेंगे। मखानों को एकदम क्रिस्पी भूनना है। व्रत शुरू हो चुके हैं, तो ऑप्शन होता है व्रत में हम क्या खाएं। एक हमारे पास आलू ही का ऑप्शन होता है, नहीं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इस चाट को बना के खाइए, बनाने में बहुत आसान है, चटपट बन जाती है, बहुत ज़्यादा हमें सामान की ज़रूरत नहीं है। तो मखानों को एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी भून लेंगे। तो ये मखाने हमारे क्रिस्पी हो चुके, इसको तोड़ के देख लेते हैं। तो ये हो गए हैं, थोड़ा सा और चलाएंगे। इसके बाद मखाने थोड़ा सा और भूनेंगे। इसके बाद हम डालेंगे नमक, सेंधा, पिसा हुआ जीरा भुना हुआ, काली मिर्च का पाउडर, फिर इसके उसको चलाएंगे। प्रॉपर मिल जाए ये, अब हम इसको निकाल लेंगे, मखानों को जो हमारे भुन चुके हैं प्रॉपर, और इसको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। तो हम इसको थोड़ा फैला लेते हैं ताकि ये ठंडे हो जाएं। तब तक हम मीठे दही की तैयारी करते हैं। तो ये दही है, इसमें चीनी मिलाया है और जीरा और नमक डालकर इसको अच्छे से प्रॉपर मतेंगे इसको। इसमें एक छोटी सी कटोरी पानी भी डालना है और नमक डालकर इसको अच्छे से मत लेना है। तो ये हमारा मीठा दही तैयार हो गया है जो हमारे मखाने में पड़ेगा। तो अब जो मखाने ठंडे हो चुके हैं, तो सबसे पहले हम इसमें नीचे मखाने की लेयर है, इसमें हम दही की लेयर डालेंगे मीठे, थोड़ा थोड़ा करके दही फैलाएंगे, थोड़ा चला देंगे। कोई बात, चला लेंगे और थोड़ा जो दही बचा है वो पूरा दही डाल देंगे इस पर, अच्छे से पूरे दही की कोटिंग कर देंगे मखानों के ऊपर। देन अब हम अपनी हरी चटनी जो तैयार की थी वो मिलाएंगे। और अनार के दाने अच्छे से फैलाएंगे, सेब के चंक्स हमने छोटे छोटे काट लिए हैं उसको फैलाएंगे, और हरी धनिया। तो ये हमारी व्रत की फलाहार मखाना चाट तैयार है खाने के लिए। इसको आप माँ को समर्पित करके भोग लगाइए और आप भी लीजिए।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।